गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड होता किस किस एलिमेंट का है, मूविंग चार्ज का, करंट कैरिंग वायर का और बार मैग्नेट का। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने डिटेक्ट किया था एम्पियर स्विमिंग रूल से और स्नो रूल से। आज हम जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ। तो बायोट सावर्ट दो फिजिसिस्ट थे जिन्होंने हमारे फिजिकल वर्ल्ड को एक फॉर्मूला दिया जिससे हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और उसकी डायरेक्शन फॉर अ करंट कैरिंग वायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है कि मान लो ये एक वायर है आपके पास एक्स वाई कुछ मीटर की वायर है और मैं आपको कहूं कि इसका कुछ मिलीमीटर पार्ट आप इसको मार्क कर लो। देखो ध्यान से, ये मैंने कुछ मिलीमीटर पार्ट इसका मार्क कर लिया बेटे और इसका नाम मैंने डीएल रख लिया। डीएल, इस डीएल को कहते हैं फिजिक्स में स्मॉल एलिमेंट। दिख ही रहा है आपको, स्मॉल है। अगर कुछ मीटर की तार है और उस पर 5 mm का निशान हमने लगाया तो वो कुछ स्मॉल एलिमेंट ही है। करंट जा रहा है वाई टू एक्स, करंट कहां जा रहा है वाई टू एक्स, ऊपर जा रहा है। तो आई और डीएल कट्ठे फिजिक्स में क्या कहलाते हैं, करंट एलिमेंट कहलाते हैं। लिख लें इस चीज को, आईडीएल कहलाता है करंट एलिमेंट। और इसको लिखने का तरीका है ये, आईडीएल डीएल वेक्टर है बेटे, करंट स्केलर है, आप सबको पता है। डीएल एक लेंथ है, लेंथ पे वेक्टर का सिंबल ले सकते हैं। दिस होल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड व्हाट, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। तो इट इज व्हाट, करंट एलिमेंट। ओके, तो करंट एलिमेंट हमारा यहां पे डीएल, हैविंग करंट आई एंड लेंथ डीएल। करना क्या होता है, हमें बायोट सावर्ट लॉ की हेल्प से स्मॉल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है और उसके हेल्प से पूरी वायर का निकालना होता है। अब मान लो ये वो पी पॉइंट है जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, ये वो पी पॉइंट है जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो स्मॉल एलिमेंट से मान लो बेटा पी पॉइंट की दूरी है आपकी आर, स्मॉल जो एलिमेंट है डीएल उससे आपके पी पॉइंट की दूरी है आर, और आर जो है डीएल और आर जो है उन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। डीएल और आर के बीच का एंगल क्या बेटे, थीटा है। तो मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनना भाई, डीएल और आर के बीच का एंगल है थीटा। तो ये बड़ा डिटरमिन करता है कि एंगल क्या है। अगर पी पॉइंट यहां होगा तो एंगल कुछ और होगा, अगर पी पॉइंट डीएल के सीध में होगा तो 90 हो जाएगा एंगल। तो थीटा बड़ा डिपेंड करता है यहां पे। तो थीटा किसके बीच का है एंगल, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, डीएल और आर के बीच का एंगल ही यहां पर थीटा लेना आपने। क्लियर, अगली बात पे चलते हैं। अब जो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर पैदा होगा बेटे, होएगा कि नहीं होएगा, वो आप कल पढ़ चुके हो एम्पियर स्विमिंग रूल में। मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा होगा, कितना होगा वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा इस पी पॉइंट पे, स्मॉल एलिमेंट है तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। और स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को लिखने का तरीका है डीबी। आप सब बच्चे जानते हैं, 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, बी जो है सिंबल वो मैग्नेटिक फील्ड का है। तो डीबी का मतलब होगा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बेटे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब साइन तो यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, थीटा क्या है ये लिख रखा मैंने, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। और बेटा डीबी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। और आर क्या है ध्यान से सुनना, आर पी पॉइंट से एलिमेंट की दूरी है। कई बच्चे क्या करते हैं, वायर के सेंटर से पी पॉइंट की दूरी आर ले लेते हैं, गलत है जो कि तरीका। एलिमेंट से पी पॉइंट की दूरी आर लेनी है, ये वाली दूरी तो कुछ भी हो उससे मैं क्या लेना देना, कुछ नहीं लेना देना। वायर के एंड से ये दूरी कितनी है उससे कुछ नहीं लेना देना। ये वाली दूरी क्या है, ये आपको बेटे एलिमेंट जो मार्क करा रखा है, एलिमेंट से पी पॉइंट की दूरी आपने आर लेनी है। ठीक, तो डीबी के कितने फैक्टर आ गए भाई, आप कहोगे सर 4 आ गए, तो बेटे 4 को कंबाइन कर दो, बताओ क्या बनेगा। तो फार्मूला बन गया डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये फार्मूला आपका बन गया। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है कि पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, आप कहेंगे स्मॉल है भाई, कुछ मीटर की तार है उस पर कुछ एमएम की वायर है, उस कुछ एमएम की वायर का कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरी वायर का नहीं है। इंटीग्रेशन से पूरी का निकाल सकते हैं। ये किसका निशान है, ये निशान है बेटा, ये सिंबल है कांस्टेंट, उसका प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है। ये हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। और कांस्टेंट कौन आएगा यहां पर, कांस्टेंट आएगा के। तो मैं लिख सकता हूं डीबी बराबर है के आईडीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो के क्या है यहां पे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। या आपके लिए चीज आसान कर देते हैं, लॉ कौन सा पढ़ रहे हो आप, बायोट सावर्ट लॉ पढ़ रहे हो, तो इस के का नाम मैं दे देता हूं
बायोट सवर्ट कांस्टेंट, क्या को, के को क्या क्या देते हैं हमें, बायोट सवर्ट कांस्टेंट। मान लो कूलम लॉ पढ़ा था आपने, तो कूलम कांस्टेंट बोल दिया के को, आज बायोट सवर्ट ला पढ़ रहे हो तो इसको के को क्या बोल दिया, बायोट सवर्ट कांस्टेंट बोल दिया बेटा। तो अगली बात आप जानना चाहेंगे कि भाई के की जो है वो वैल्यू क्या होती है, तो बेटा इधर ध्यान दें, के का फार्मूला होता है आपका एसआई यूनिट्स में म्यू नॉट बाय फोर पाई। वहां पर होता था एप्सिलॉन नॉट, वहां पर क्या होता था फर्स्ट यूनिट में आपका, फर्स्ट यूनिट में के होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां पर एप्सिलॉन नॉट होती थी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यहां पर म्यू नॉट होती है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। भाई म्यू नॉट यहां पर एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, मतलब ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन एक यूनिट एरिया में से कितनी पास करेंगी उसकी परमिशन को हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते बेटे। ये होती थी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो मैं इसका नाम लिख रहा हूं म्यू नॉट, क्या यहां पर एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस हमने किसको कह दिया भाई, वैक्यूम को कह दिया, क्योंकि वहां पर कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं है। तो म्यू नॉट आपका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, 4 पाई एक नंबर है मैथ्स का जो इसके साथ है। हाँ जी, तो के को फार्मूले में रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा आपका फार्मूला, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां पर के की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। भाई ये आ गया बायोट सावर्ट लॉ का स्केलर फॉर्म, ये आपने पूरे चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बार बार न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है। तो साइन थीटा जो है, यहां पर दोबारा बता दूं, साइन थीटा में थीटा है डीएल और आर के बीच का एंगल, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि जो है इस फार्मूले में साइन थीटा क्या है। अगर मान लो वेक्टर फॉर्म बनानी है, अगर आपको मान लो इसकी वेक्टर फॉर्म बनानी है तो वो आप इस तरह बना सकते हो, कुछ एक काम करो, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा आर स्क्वायर। अब बेटे यूनिट वेक्टर आप ले सकते हो यहां पे आर के, ठीक है, और यहां पर आप लगा सकते हो वेक्टर का निशान, वेक्टर का सिंबल लगा सकते हो डीबी के ऊपर। अब मैं कहूंगा यूनिट वेक्टर क्या है, आप कहोगे सर यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस। यूनिट वेक्टर क्या है, वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस। तो बेटा आर कैप की अगर आप वैल्यू रिप्लेस कर दो तो आप लिख सकते हो डीबी वेक्टर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो म्यू नॉट आईडीएल, आप लिख दोगे डीएल क्रॉस आर। क्रॉस आर क्यों कर दिया, क्रॉस आर इसलिए कर दिया बेटे, और नीचे आ जाएगा आर क्यूब, नीचे क्या आ जाएगा आर क्यूब आ जाएगा, आर की पावर स्क्वायर इंटू आर, आर की पावर 3 आ जाएगी। तो डीएल क्रॉस आर, तो डीएल क्रॉस आर क्यों आया, क्योंकि साइन थीटा है, साइन थीटा की वजह से डीएल क्रॉस आर आया, कोस थीटा होता तो यहां पे डॉट आती। तो बेटा डीबी वेक्टर का फार्मूला ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सावर्ट लॉ, ये आ गया आपकी वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। क्लियर है, आप समझ जाना, जब भी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट होती है उससे जो वेक्टर बनता है उसकी डायरेक्शन उन दोनों का यूज करके स्क्रू रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डीबी की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ डीबी जो होगी, मैं लिख सकता हूं डायरेक्शन ऑफ डीबी इज गिवन बाय राइट हैंडेड स्क्रू रूल, या स्क्रू रूल कहते हैं जनरली हम इसको, एंड डीबी की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर। तो स्क्रू रूल से निकाल सकते हो, थंब रूल से निकाल सकते हो, आई जे के का यूज करके भी आप डीएल और आर की जो डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर डीबी की डायरेक्शन होगी वो आप निकाल सकते हो। ये थी वेक्टर फॉर्म, के की वैल्यू आपको पता चल गई म्यू नॉट बाय 4 पाई। क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड आपका जो होता है वो होता है टेस्ला, उसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। तो के की यूनिट्स आप निकाल सकते हो यहां से, के की जो यूनिट है वे देखिए भाई, डीबी इज इक्वल टू के आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं इसको डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई
आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और ये स्मॉल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड है, ये हम सब जानते ही हैं इस बात को। तो भैया इसमें मैं कह रहा था आपको कि जो म्यू नोट बाय फोर पाए है, ये इसकी एसआई में वैल्यू है, के की वैल्यू। सीजीएस में आपकी के की वैल्यू वन रहेगी, सीजीएस में आपकी के की जो वैल्यू है बेटे वन रहेगी। अब बात करें हम के की यूनिट्स की, तो यहां से निकाल लो आप, के क्या हो जाएगा यहां से, डी बी आर स्क्वायर डिवाइड बाय आईडियल साइन थीटा, तो के की यूनिट हो जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेंथ क्लास में आप लोगों ने पढ़ी थी, टेस्ला, टेस्ला होती है। आर स्क्वायर की यूनिट क्या हो जाएंगी, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय, करंट की यूनिट क्या हो जाएंगी आपके यहां पे एम्पियर, लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर, साइन थीटा यूनिट लेस होता है, तो मीटर से मीटर का स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर आ गया टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, दीज आर द यूनिट्स ऑफ के। के इज व्हाट, बायोट सावर्ट कांस्टेंट। के क्या है यहां पर, बायोट सावर्ट कांस्टेंट है, सीजीएस में जिसकी वैल्यू 1 है और एसआई में जिसकी वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई है। अब सब सोच रहे होंगे कि सर म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, तो बेटा म्यू नॉट की, एब्जाइल नॉट की वैल्यू याद करो, फर्स्ट यूनिट में क्या थी, एब्जाइल नॉट आप पढ़ते थे फर्स्ट यूनिट में 8.85 × 10^-12, ठीक है, कूलाम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही होता था ना, तो आपका ये आ जाएगा ना कि भाई एफ इजिकल टू 1/4πε₀ Q1 Q2 r², तो बेटे एब्जाइल नॉट, यस, कूलाम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो आपका ये आता था। लेकिन मैं आज कुछ और बताने जा रहा हूं, म्यू नॉट की वैल्यू, यूनिट तो ये रही टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷ एसआई में, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। फर्क देखिए आप, फर्क वैसे भी है इनमें, ये तो है बेटे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम, और ये है एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो फर्क तो बेसिक इनमें वैसे ही अलग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग ब्रांच है फिजिक्स की और मैग्नेटिज्म अलग है, वो बेसिक फर्क तो है ही यहां पर। तो बात यह चल रही थी कि भाई म्यू नॉट बाय 4π किसके इक्वल होगा, भाई म्यू नॉट की वैल्यू तो होती थी 4π × 10⁻⁷, और बेटा 4π तो 4π है, तो 4π से 4π कैंसिल हो गया, ओवरऑल जो k है उसकी वैल्यू आ गई 10⁻⁷, तो बेटे k की वैल्यू आ गई 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ये वैल्यू आ गई आपकी k की, क्लियर है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म भी आप समझ गए। तो चलो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना सिखा देते हैं, और कुछ मैं एग्जांपल ले लूंगा बेटे जहां से आपको थोड़ा सा क्लियर हो पाए, ये देखिए ध्यान से, अब आप सीखेंगे सभी लोग डीबी की डायरेक्शन निकालना। सो नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर, ध्यान से देखना भाई, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, एक्स वाई एक कंडक्टर है, ये एक एलिमेंट है, यहां एक पी पॉइंट है, ये आर वेक्टर है, ये थीटा एंगल है, सही है ना, डीएल और आर के बीच का कोण थीटा। तो बेटा डीएल और आर की जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, वो डीबी की डायरेक्शन देती है। तो चलो एक बार वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू, अभी लिखी थी हमने म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर का क्यूब। तो भाई एक बात बताओ, डीबी की डायरेक्शन कौन देने वाला है, डीएल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट। एक काम करो भाई, स्क्रू रूल आपको सिखाते हैं, डीएल से आर की तरफ स्क्रू घुमाओ, डीएल से आर की तरफ, प्लीज देखो एक बार स्क्रीन पर आप, डीएल से आर की तरफ स्क्रू घुमाइए, डीएल से आर की तरफ स्क्रू घुमा रहा हूं मैं, स्क्रू घुमा रहा हूं, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, बोर्ड के अंदर जा रहा है अंदर। तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहां गया, बोर्ड के अंदर गया। अब आप कहोगे पी पे क्यों दिखाया सर, भाई पी ही तो ऑब्जर्वेटरी पॉइंट है, फील्ड में यहां नहीं निकाल रहा वायर के ऊपर, फील्ड वहां निकाल रहा हूं, बट फील्ड में यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, डीएल टू आर में जब घुमा रहा हूं स्क्रू को, तो अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, यानी डीबी की डायरेक्शन आ गई इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। और आप बच्चे पेपर पे पढ़ते हैं तो इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर, तो स्क्रू रूल से इस प्रकार आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब कोई बच्चा कहे सर आउटवर्ड कैसे आ सकती है, ये वाली तो आ गई इनवर्ट, ठीक है जी, आउटवर्ड देखिए, यही पी पॉइंट यहां ले लिया, समझना कहानी, ये पी पॉइंट यहां ले लिया, अब आर आ गया भाई इधर, देखो आर आ गया इधर, सही बात है, एंगल हो गया अब इधर, अब घुमाओगे एंटी क्लॉक,
अब क्या घुमाओगे बेटा, ये डीएल था, अब घुमाओगे आप, ये करंट था इसमें से, अब घुमाओगे आप एंटी क्लॉक, डीएल करो सार, अब पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आउटवर्ड। इस प्रकार आप डीबी की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। हम एक तरीका और है, वो और आप देख लीजिए ध्यान से, डीबी की डायरेक्शन निकालने का। आप डीएल टू आर, डीएल से आर उंगलियां घुमाइए, कर्ल ऑफ फिंगर घुमाइए, डीएल से आर घुमाई भाई, डीएल से आर उंगलियां घुमाई, मेरा थंब जा रहा है अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर। इधर देखिए, डीएल पर उंगलियां रखिए, ये डीएल है, डीएल, डीएल के अलावा उंगलियां रखिए, ये आर है, आर, आर वेक्टर, तो डीएल से आर आप फिंगर घुमाइए ऐसे, आपका थंब बाहर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है, तो आपका डीबी आउटवर्ड है। तो दो, एक तो स्क्रू रूल हो गया आपका, एक थंब रूल हो गया, इससे भी आप निकाल सकते हैं। एक तरीका और है, वो तरीका और देख लीजिए, डीबी की डायरेक्शन निकालने का एक तरीका और है बेटा। तो डीबी की डायरेक्शन आप कुछ इस तरह भी निकाल सकते हैं, मान लो आपका कंडक्टर यहां है, मान लो आपकी ये वायर है, एक ये आपकी वायर है, कौन से एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, वायर में कितना करंट है, आई करंट है, मान लो ये एलिमेंट डीएल है, मान लीजिए ये एलिमेंट डीएल है, ठीक है। अब ये एलिमेंट डीएल है आपका, और पी ऑब्जर्वेटरी पॉइंट आपने ले लिया एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, ये हो गया आपका आर वेक्टर, ठीक है, ये है डीएल वेक्टर, ये थीटा है 90 डिग्री। अब मैं आपको कहूं डीबी की डायरेक्शन बताओ, आप कहोगे सर डीबी वेक्टर बराबर है के आई डीएल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब, आप सारे यही कहोगे कि ये आंसर है। अरे भाई डायरेक्शन की बात चल रही है, तो डायरेक्शन इस तरह बताएंगे आप लोग, देखिए डीएल से आर स्क्रू घुमाएंगे तो पी पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया, अंदर कौन सी डायरेक्शन होती है बच्चों, अंदर होता है माइनस के कैप, बोर्ड के ऊपर कौन सा डायरेक्शन है, प्लस के कैप, बोर्ड के अंदर क्या है, माइनस के कैप। आप ये माइनस के कैप है ना, माइनस के कैप कैसे मिलेगा, लास्ट बात है, ध्यान से समझना, ध्यान से लिख भी लेना चाहिए। अब एक बात बताओ, डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर कहां बैठा है, वाई एक्सिस पे, वाई का यूनिट वेक्टर कौन होता है भाई, जे, मैंने लिख लिया जे, जे कैप। आर वेक्टर आपका कहां बैठा है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। तो बेटा जे क्रॉस आई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना, गलती नहीं होगी कभी, जे क्रॉस आई की जो डायरेक्शन होगी वो डीबी की होगी। तो भाई एक बात बताओ, हमने पढ़ रखा है क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस जे के होता है, तो बेटे जे क्रॉस आई क्या होएगा, माइनस के, जे क्रॉस आई का आंसर क्या आएगा, माइनस के कैप। थोड़ा सा वेक्टर अगर आता हो आपको तो माइनस के की डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड, तो इनवर्ड ही तो है। तो इस तरह भी आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। आई होप आपको आज का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालना आ गया होगा डीबी का यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ। देखते रहिए बेटा, थैंक यू वेरी मच।